हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 7 तक कर लिया था। अब अगले वीडियो में मैं प्रश्न नंबर 8 का 8 से अगले वाले प्रश्न करवा रही हूँ। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित है, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित है, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। इस प्रश्न नंबर 8 का जवाब है बच्चों कि कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियाँ अंकित है। कवि ने उसे बसंत के बीच कूकते सुना है। वह प्रकृति में नवजीवन की संदेशवाहिका मानी जाती है। अब कोयल इन सारी मीठी यादों को नष्ट करने पर इसलिए तुली है क्योंकि वह अंग्रेज सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों से दुखी है। यह है प्रश्न नंबर 8 का जवाब। अब प्रश्न नंबर नौ है बच्चों, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? प्रश्न नंबर 9 है, हथकड़ियों को गहना क्यों? इसका जवाब है, गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आत्मप्रेरणा से संघर्ष का मार्ग चुना था, वह जेल को अपना प्रिय आवास तथा हथकड़ियों को अपना गहना समझते थे। उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी, इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए पहनी गई हथकड़ियों को गहना कहा है। यह है प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। काली तू ए काली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। यहाँ पर काली अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप में आया है, तो इस चमत्कार के बारे में बताना है। तो प्रश्न 10 के उत्तर में, इन पंक्तियों में काली शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। यहाँ यमक अलंकार है, जब एक ही शब्द जब बार बार आए परंतु अर्थ जब उसका प्रत्येक बार भिन्न रूप में आए तब वहाँ यमक अलंकार होता है। जब शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तब यमक अलंकार होता है। अब यहाँ काली शब्द का एक तो आया है काले रंग के अर्थ में, काली तू रजनी भी काली, का टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। यहाँ जो ये काली शब्द आया है उसका अर्थ काले रंग के रूप में आया है। दूसरा है अन्याय के अर्थ में, शासन की करनी भी काली, मेरी काल कोठरी काली। यहाँ काली शब्द आया है अन्याय के अर्थ में है। तीसरा है निराशा के अर्थ में, काली लहर कल्पना काली। यहाँ काली लहर लहर भी कल निराशा के अर्थ में आया है। यहाँ पर काली शब्द का अर्थ यहाँ पर, तो इस तरह से काली शब्द के विभिन्न जगह अलग अलग अर्थ आए हैं। यह है प्रश्न नंबर 10 का जवाब। प्रश्न नंबर 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कह है, किस वानल की ज्वालाएं हैं दिखी, और ख है, तेरे गीत का हावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भेरी। ठीक है, इन दोनों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। कह है, किस तावानल की ज्वालाएं हैं दीखी, इसका काव्य सौंदर्य होगा, इस पंक्ति में कवि ने कैदियों और भयंकर अत्याचार किए जाने की संभावना की ओर संकेत किया है। दावानल की ज्वालाएं में रूपातिशयोक्ति अलंकार है और प्रश्न शैली का यहाँ पर प्रयोग सटीक बन पड़ा है, यानी प्रश्न पूछ रहे हैं इस तरह से, तो प्रश्न शैली है। दूसरा जो था, तेरे गीत कहावे वाह, इस पद्यांश में कोयल की मधुर तान और जेल में बंद कवि की यात्राओं की असमानता का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। कोयल अपनी बोली से सभी जगह प्रशंसा पाती है, जबकि कवि के लिए रोना भी संभव नहीं है। इतने पर भी कोयल अपनी बोली से देशवासियों में और अधिक उत्तेजना जगा रही है। कोयल का मानवीकरण किया गया है जो ही बहुत सुंदर है, यानी कोयल को मानव के समान मानकर उसका मानवीकरण किया गया है जो बहुत सुंदर बन पड़ा है। भाषा अत्यंत प्रभावमयी, संगीतात्मक और तुकांत है। और अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार, जिसमें वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, इसलिए यहाँ पर
अनुप्रास अलंकार है। यह है प्रश्न नंबर 11 का जवाब। प्रश्न नंबर 12, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है। प्रश्न नंबर 12, कोयल का मार्मिक स्वर कवि के मन को छू गया है और उसकी भावनाओं को हिला दिया, इसीलिए कवि ने कोयल की ही बात की है, अन्य पक्षियों के होते हुए भी, क्योंकि उसकी मधुर वाणी ने उसका मन छू लिया है कवि का, इसीलिए वो कोयल की ही बात करता है। अगला प्रश्न नंबर 13, आपके विचार में से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। यहाँ आपको अपने विचार लिखने हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। उस समय आप अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर इस प्रश्न का जवाब स्वयं देंगे। अब कुछ मैं आपको गृह कार्य के रूप में दे रही हूँ, वो गृह कार्य भी आपको इसके अलावा, ये जो प्रश्न करने हैं उसके अलावा आपको गृह कार्य करना है, तो उन प्रश्नों को भी आप नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, जेल में कवि को किस प्रकार की यातनाएं मिलती थी। जेल में कवि को किस प्रकार की यातनाएं मिली थी, इसका जवाब लिखना है। प्रश्न नंबर 2, कोकिल और कवि में क्या समानता है। प्रश्न नंबर 3, मृदुल वैभव की रखवाली सी किसे कहा गया है वह क्यों। और प्रश्न नंबर 4, कवि ने ब्रिटिश अकड़ का कुआ कैसे खाली किया। और प्रश्न नंबर 5, माखला चतुर्वेदी का साहित्यिक परिचय लिखिए। ये पांचों प्रश्न भी बच्चों आपको उसके साथ साथ गृह कार्य के रूप में ये पांचों प्रश्न भी करने हैं। तो मुझे आशा है आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे लगातार और आप ये कर रहे होंगे। धन्यवाद बच्चों।